श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाचि गुरु उपदेश मुख्य वंदे श्री प्रभु सद्गुरु गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। अभी अभी प्रभुचरित्र के अंत में चिरंजीव चैतन्य राय ने कहा, नको रे नको ऐकु सिद्धांत नाना। प्रभु का चरित्र काफी है, सत्य कहा है मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने महामौन शतक में कि नको रे नको ऐकु सिद्धांत नाना। शुष्क वेदांत चर्चा से कुछ होने वाला नहीं है, किंतु सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निश्चलतत्वम, निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम। भगवत पूज्य पाठ में शंकराचार्य कहते हैं सत्संग का बड़ा महत्व है, और इसीलिए पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग यहाँ ये पूर्णिमा के दिन एकत्रित होके ये सत्संग का आयोजन करते हैं। महोत्सव के अंदर भी हमने 11 दिनों तक निरंतर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया, तो बड़ा सत्संग का महत्व है। ये सत्संग का जो महत्व है वो बड़े बड़े लोगों को उसकी पहचान नहीं होती। एक बार कथा आती है कि एक बार नारद महर्षि ने भगवान से पूछा कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय कौन सा है। किसने पूछा, किससे पूछा? भगवान से, श्रीमन नारायण से, महाविष्णु से पूछा कि भगवान ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। तो भगवान ने कहा सत्संग। सत्संग जो है वो सबसे सरल उपाय है। अब नारद ने फिर पूछा भगवान से कि भगवान सत्संग यानी क्या, सत्संग का क्या महत्व है। तो भगवान हंसे। भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि तुम त्रिलोक संचारी हो, घूमते रहते हो, अमुक स्थान पर जाओ, वहां एक बरगद का विशाल वृक्ष है और उस वृक्ष में एक गिरगिट रहता है। गिरगिट मालूम आपको? गिरगिट, गिरगिट यानी क्या मराठी क्या बनते थे? हाँ, एक गिरगिट रहता है, उससे जाके पूछो सत्संग का क्या महत्व है, वो बताए। अब नारद, भगवान की आज्ञा हुई तो नारद घूमते हुए नारायण नारायण करते हुए उस स्थान पे पहुंचे जहां भगवान ने बताया था, बरगद का वृक्ष और उसमें वो गिरगिट। नारद गए, नारद ने पूछा गिरगिट गिरगिट सत्संग यानी क्या। तो जैसे ही सत्संग शब्द सुना वो गिरगिट मरा और मर के गिर गया नीचे। अरे 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 अरे, ये बड़ा बुरा हुआ। नारद दुखी हुए, दुखी हुए, फिर गए वापस। उनको क्या एंट्री वीसा की कोई जरूरत नहीं, परमानेंट वीसा उनके पास, वैकुंठ में गए। फिर बोले महाराज ये क्या गड़बड़ करते हैं आप, हमेशा आपसे मैंने पूछा सत्संग का महत्व, आपने कहा गिरगिट से पूछो, गिरगिट से पूछा वो गिरगिट मर गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात, एक और प्रयास करो, अमुक स्थान पर जाओ और वहां पर एक तोता रहता है, तोता, तोता मालूम है, तोता, पैरट, पोपट,
उससे जाके पूछो सत्संग का क्या महत्व है, वो बताएगा। नारद ने कहा ठीक है। नारद गए नारायण नारायण करते हुए, त्रिलोक संचार करते हुए उस स्थान पे पहुंचे जहां भगवान ने बताया था। वहां गए, वहां वो पोपट दिखा, वो अपना क्या कहते हैं तोता दिखा। तोते से पूछा कि सत्संग यानी क्या। जैसे ही उसने सुना क्या सत्संग, वो तोता क्या हो गया, मर गया, गिर गया नीचे। अरे रे 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 रे, क्या कहें। फिर गए कहां गए, भगवान के पास। भगवान के पास गए, महाराज आपने पहले गिरगिट की बात कही, गिरगिट से जाके पूछा, वो बता नहीं पाया, वो मर गया। उसके बाद जो है तोते से पूछा, तोता भी मर के गिर गया। अब मेरे से आप ये हत्याएं क्यों करवा रहे हो। भगवान ने कहा सत्संग यानी क्या, तुझको जानना है ना, एक काम कर, एक काम कर, अमुक गांव में जा, वहां पर एक किसान है, उसके घर में एक गाय है, वो गाय जो है प्रसूत होने वाली है, बछड़ा होने वाला है उसको, वहां जाके ठहर। जैसे ही बछड़ा उत्पन्न होगा, पैदा होगा, उस बछड़े से पूछ। क्या पूछना है, क्या पूछना है, सत्संग यानी क्या। ठीक है, नारद भगवान की आज्ञा, गए वो गांव में, गए वहां किसान का घर, त्रिलोक में, त्रिलोक में सब लोग नारद को सारे एड्रेस मालूम, उनकी वीणा में जीपीएस लगा हुआ। गए वो किसान के घर में, वहां जाके देखा, अब वो गाय, गाय जो है वो प्रसूत होने वाली, अब वो गाय के बछड़ा हो गया। जैसे ही बछड़ा हुआ, नारद जी ने बछड़े से पूछा कि सत्संग यानी क्या। अब क्या हुआ, बछड़ा मर गया, वो हत्या का पाप लग गया, बछड़ा मर गया। अब क्या करें। अब नारद फिर वापस रिटर्न जर्नी, गए वापस वैकुंठ में, भगवान बैठे हुए थे। भगवान से कहा, भगवान ये आप क्या मुझे चक्कर लगवा रहे हो, पहले गिरगिट से पूछो कहा, गिरगिट ने नहीं बताया, वो मर गया। फिर तोते से पूछने को कहा, तोते ने नहीं बताया, अब तो ये गो हत्या का पाप एक और लगा दिया, वहां जाके वो बछड़ा मर गया। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, फिर से जाओ, वहां एक राजा है, उस राजा की पत्नी गर्भवती है, और उस राजा की पत्नी को बच्चा होने वाला है, वो प्रसूत होने वाली है, तुम वहां जाओ, और जैसे ही वो रानी प्रसूत होती है, उस बच्चे से पूछो, उस बच्चे से पूछो सत्संग यानी क्या, वो बच्चा तुमको बताएगा। नारद चतुर थे, नारद ने कहा, भगवान गिरगिट मर गया, जंगल में मरा, मुझको किसी ने कुछ नहीं पूछा, हाँ तोता मरा वो भी जंगल में मरा, वो भी किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो गाय का बछड़ा मर गया तो भी वो बेचारा किसान गरीब था, उसने कुछ नहीं कहा। अभी राजा के घर में अंतपुर के अंदर जाके मैं ये पूछूंगा, और मान लो वो बच्चा मर गया तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हाँ राजा चुप बैठेगा क्या, हाँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ उससे पूछो। अब नारद भगवान की आज्ञा मान के आ गए, वो राजा जो था उसके महल में गए, वहां वो रानी प्रसूत हुई, शुभ समाचार आया कि राजा को बेटा पैदा हुआ। तो नारद महर्षि अंदर गए, अंदर जाके वो रानी के पास पलंग के ऊपर बच्चा, छोटा सा अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, सोया हुआ था, उससे जाके नारद महर्षि ने पूछा, क्या पूछा, सत्संग यानी क्या, सत्संग यानी क्या। तो वो बच्चा हंसने लगा, बच्चा हंसने लगा। उस बच्चे ने कहा कि महाराज आपको सत्संग का अर्थ नहीं मालूम, हाँ ये कितनी बार पूछोगे आप मुझसे, आप मुझसे कितनी बार पूछोगे, कितनी बार क्या, मैं पहली बार पूछ। बोले नहीं, जब मैं गिरगिट था, जब मैं गिरगिट था तब आपने क्या पूछा, सत्संग। सत्संग सुनते ही मेरी जो कीट योनी थी, कीड़े की योनी थी, वो चली गई, उससे बेहतर योनी प्राप्त हो गई, कौन सी, पक्षी की, पक्षी की प्राप्त हो गई। फिर आपने पक्षी रूप में आके मुझसे पूछा, क्या पूछा, सत्संग यानी क्या। सत्संग सुनते ही
मेरी पक्षी योनि जो थी वो समाप्त हो गई, उससे ऊंची उससे बेहतर पशु की योनि प्राप्त हुई, पशु की योनि प्राप्त हुई। पशु रूप में गाय के बछड़े के रूप में आपने आके फिर पूछा सत्संग है ने क्या है, तो सत्संग सुनते ही पशु योनि समाप्त हो गई, मनुष्य योनि प्राप्त हो गई है। और मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद आपके जैसा देवऋषि सम्मुख खड़ा हुआ है, अब मुझको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन क्या होगा, अब मुझको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आप जैसे। और आप स्वयं संत हैं, आप स्वयं ऋषि हैं, आपको नहीं मालूम सत्संग की महिमा, आपके दर्शन मात्र से, आपके दर्शन मात्र से मेरी गिरगिट की योनि समाप्त हो गई, मैं पक्षी बन गया, आपके पुनर्दर्शन से मैं पक्षी से पशु बन गया, और फिर आपके पुनर्दर्शन से फिर पक्षी से मनुष्य बन गया। वो भी कैसा मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये जो प्रोग्रेसिव एक परिवर्तन होता है वो किसके बल पर होता है, वो सत्संग के बल पर होता है। और सत्संग में हम क्या सुनते हैं, सत्संग का कोई भी सत्संग हो उस सत्संग का सार क्या होता है, उस सत्संग का सार होता है धर्म और मोक्ष। किसी भी सत्संग का विषय क्या है, या तो धर्म होगा या मोक्ष होगा, धर्म होगा या मोक्ष होगा। और ये धर्म ऐसा है कि आप लोगों ने यहां महोत्सव में संगीतकारों को सुना, बड़े बड़े संगीतकार आए, अभी चैतन्य राज भी प्रभु चरित्र सुना रहे थे, तो पीछे तानपुरा लगा हुआ है ना, तानपुरा, उसको कहते हैं श्रुति, उसको क्या कहते हैं, श्रुति। तो उसमें स्वर है, जो स्थिर स्वर है, जैसे सा है प है, ये साप साप उसमें बजता रहता है, उसमें स्थिर होता है वो स्वर, सा प वो बजता रहता है। और ये जो कलाकार है, गाने वाला है, उसको आधार बना के अपनी कला को प्रस्तुत करता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। संगीत का जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, सुर कहते हैं उसको, सुर है ना, सुर, तो वो सुर लगा रहता है, और उस सुर को आधार बना के ये अनेक प्रकार से अपनी कला को प्रस्तुत करता है, अपने गायन को प्रस्तुत करता है। और अगर उसका गाना सुर में हो, जो सुर उसने लगाया, संगीत की भाषा में उसमें काली दो सफेद तीन ऐसे उसके नाम है, काली चार ऐसे स्वर है, काली चार यानी हारमोनियम के ऊपर जो काले रंग का बटन होता है उसको काला कहते हैं, और जो चौथा होता है उसको काली चार, काले नंबर, काले में चौथे नंबर का, सफेद तीन नीचे जो सफेद रंग के बटन होते हैं उसमें जो एक दो तीन तीसरा जो होता है उसको सफेद, तो काली दो काली तीन काली एक सफेद दो सफेद तीन, ये हारमोनियम के ऊपर जो बटन है उनके रंगों को लेके संगीतकारों के बनाए हुए शब्द हैं। तो मुख्य रूप से उसको कहते हैं श्रुति, श्रुति। तो वो श्रुति जो है उस श्रुति को आधार बनाकर वो कलाकार अपना गायन करता है, और उस श्रुति पर आधारित उस श्रुति के अनुषंग से उस स्वर में अगर उसका गायन होगा तो वो गायन जो है उस कलाकार को भी आनंदित करता है और सुनने वालों को भी आनंदित करता है, अन्य लोगों को भी उसका आनंद होता है। और अगर वो कलाकार उस स्वर को छोड़ दे जो मूल स्वर है, जो तानपुरे में जो स्वर बज रहा है, उस स्वर को छोड़ के अगर वो बेसुरा गाने लगे, अगर उस स्वर को छोड़ के वो बेसुरा गाने लगे, तो न उसको स्वयं को आनंद होता है न दूसरों को आनंद होता है, अपितु उसको स्वयं को भी कष्ट होता है और सुनने वाले जो दूसरे लोग हैं उनको भी कष्ट ही होता है। समझ में आई बात, ये संगीत शास्त्र की बात है, उसको कहते हैं श्रुति। और बेसुरा जो गाता है उसको कहते हैं अपश्रुति, अपश्रुति। अब ये श्रुति शब्द का एक और अर्थ भी है, श्रुति यानी क्या, श्रुति यानी वेद, श्रुति शब्द का अर्थ क्या है, वेद। वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं, वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं,
इसलिए कहते हैं क्योंकि वेद जो हैं वो हमने हमारे गुरु से सीखे सुने, वेद लिखे नहीं गए, हमारे जो वेद हैं वो लिखे नहीं गए, वो सुने गए। ऋषियों ने उन मंत्रों की रचना नहीं की, कागज कलम लेके नहीं बैठे, उन्होंने उसको अनुभव किया और सहज स्फूर्ति से उसको उन्होंने सुना, उसको उन्होंने सुना, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं, वेदों को श्रुति कहते हैं। तो हमारा आपका जो जीवन है वो उस श्रुति के अनुकूल अगर हो, यहां श्रुति यानी क्या, वेद, यहां श्रुति यानी वेद, तो वेद के अनुकूल अर्थात धर्म के अनुकूल अगर हमारा जीवन हो तो हमारा जो गाना बजाना है वो स्वर में होता है, उससे हमको भी आनंद प्राप्त होता है और अन्य जो लोग हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे प्रांत के लोग, हमारे देश के लोग, विश्व के लोग, सबको आनंद आता है, हाँ? और अगर उस धर्म से, उस श्रुति से अगर हम च्युत हो गए, अपस्वर लग गया, हम अलग ही स्वर में गाने लग गए तो हमको भी कष्ट होगा, हमको भी दुख होगा, हमारे परिवार को दुख होगा, हमारे समाज को दुख होगा, हमारे राष्ट्र को दुख होगा, अंततोगत्वा संपूर्ण मानवता को दुख ही होगा। समझ में आई बात? इसलिए हमारा जीवन जो है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, धर्म के अनुसार। महाराज ने कहा श्रुति धर्म रक्षुनी सकल मताते वंदा, श्रुति धर्म, श्रुति धर्म आया क्या अर्थ उसका, अर्थ क्या उसका, श्रुति यानी वेद। हमारा जो सनातन वैदिक ऐसा धर्म है उसको कोई भी नाम आप दीजिए, अनेक नाम है उसके, बस सनातन आर्य वैदिक धर्म हमारा जो है उस धर्म के अनुकूल चलते हुए, उसके सुर में सुर मिलाते हुए, है ना, वो पंडित भीमसेन जोशी का गाना है बड़ा प्रसिद्ध, क्या मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर में होना चाहिए, बेसुरा हो गया तो महफिल का मजा जो है वो खराब हो जाता है। तो धर्म के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। अब हमारा जो जीवन है, अब धर्म की क्या आवश्यकता, धर्म की क्या आवश्यकता है, श्रुति की क्या आवश्यकता है, वेद की क्या आवश्यकता है, कुत्तों को होती है क्या धर्म की आवश्यकता, गधों को होती है क्या, सांपों को होती है क्या, बिच्छुओं को धर्म की आवश्यकता है क्या, नहीं। कुत्ते होते हैं क्या, ये हिंदू कुत्ता है मुसलमान कुत्ता होता है, कुत्तों में धर्म होता है क्या, नहीं होता। बैल में धर्म होता है क्या, नहीं होता। गधे में धर्म होता है क्या, नहीं होता। गाय बैल घोड़े गधे इनका कोई धर्म नहीं होता। धर्म किसका होता है, मनुष्य का होता है, मनुष्य का होता है। क्यों मनुष्य का क्यों होता है धर्म, इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि रूपी एक इंद्रिय है, बुद्धि रूपी एक इंद्रिय है, और वो जो इंद्रिय है बुद्धि है और मन है। हमारी समस्याएं पशुओं से अलग है, हमारी समस्याएं जो हैं वो पशुओं से अलग हैं, पशु की समस्या अलग है, मनुष्य की समस्या अलग है। मनुष्य अगर उसका पुत्र उसको छोड़ के चला गया तो मनुष्य को दुख होता क्या, हाँ? मनुष्य का पुत्र अगर मनुष्य को छोड़ के चला जाए, अमेरिका चला जाए, कहीं चला जाए तो दुख होता है क्या, नहीं। पुत्री कन्या विवाह करके अगर चली जाए तो मनुष्य को दुख होता है क्या, नहीं, हाँ? गधे को होता है क्या, गधे का बेटा दूसरे जंगल में चला गया, हाँ? कुत्ते की बेटी दूसरे गांव में चली गई, हाँ? बिल्ली का बच्चा इस गली से उस गली में चला गया, बिल्ली को दुख होता है क्या, कुत्ते को दुख होता है क्या, नहीं होता, नहीं होता। तो मनुष्य के इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रॉब्लम्स अलग है, मनुष्य के बुद्धिगत और मानसिक समस्याएं अलग हैं, पशुओं की ये समस्या नहीं। इसलिए मनुष्य के लिए धर्म की आवश्यकता है, इसलिए मनुष्य को धर्म की आवश्यकता है। धर्म की आवश्यकता क्यों है, इसलिए क्योंकि मेरी जो बुद्धिगत समस्याएं हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स,
इमोशनल से है, मानसिक समस्याएं, उसको दुख होता है, उसको कष्ट होता है, उसको पीड़ा होती है, मेरा अपमान होता है, मेरा मान होता है, मेरा लाभ होता है, मेरी हानि होती है, है? ये सारी चीजें मनुष्य में है। कुत्ते का नुकसान होता है क्या कभी? बैल का अपमान होता है क्या? कुत्ते का हट कहते, कुत्ते को कुत्ता आ जाता है कोई, हट करके उसको पत्थर से मार, उसका अपमान होता है क्या? वो कहता है क्या, इन्होंने मेरा अपमान किया? नहीं, वो भाग जाएगा। आप आए प्रवचन सुनने के लिए, हट कह दिया तो क्या हो जाएगा? पुनः एक राम आणी नर लय नहीं ते मारा हड़ी हड़ी कर ला ले, अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को ये सारी समस्याएं हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उसको एक नियमन की आवश्यकता है। वो धर्म है, और वो धर्म जो है वो सतत पीछे बजते रहना चाहिए जैसे सुर बजता है, और उसके अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए, वो सतत बजना चाहिए और उसके अनुकूल हमारा जीवन चलना चाहिए। अब ये जो मनुष्य की समस्याएं, थोड़ा सा इन समस्याओं के बारे में विचार करेंगे। अनेक समस्याएं, किसी की कुछ समस्या, किसी की कुछ, हर एक आदमी जो है ना वो अपनी समस्या से ग्रस्त। आप किसी से भी पूछें, किसी भी आदमी से आप पूछें कि कैसे हैं, अंग्रेजी में वो बड़ा फेमस ग्रीटिंग लाइन, हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हमेशा उत्तर आई एम फाइन, आई एम गुड कहता है, कहता है कि नहीं, आप बोलते कि नहीं, है आपसे पूछा हाउ आर यू, फाइन, है? और जो फाइन कहता है तो उसके बाद रुकिए मत, थोड़ी देर और उसके पास बैठिए। एक काम कीजिए, आपने किसी से पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, कैसे आधा पर छान छान, प्रवचित रूपा है छान, अग्नि व्यवस्थित, ये सुन के जाइए मत, थोड़ा और बैठिए। बाकी कसा का है? बाकी का है वो सगळं ठीक है, फक्त ते आमची सूनच थोड़ा शुरू हो गया, शुरू वहां से शुरुआत। हमारा बेटा सगळं छान आहे बघा, अलीकडे आमच्या मंडळीची तब्येत बरी राहत, कुछ ना कुछ समस्या, ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसकी समस्या नहीं। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए धर्म है, इसलिए वो बचते रहना चाहिए। समस्या ऐसा है मनुष्य, क्या देवताओं को भी समस्या है, देवताओं को बड़ी समस्या है। आपको मालूम है भगवान शंकर, हाँ भगवान शंकर को जानते हैं कि नहीं, उनके पास फैमिली प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है, बड़ा फैमिली प्रॉब्लम है। क्या है, आपने देखा भगवान शंकर को फोटो देखा, हाँ कैसा होता भगवान शंकर, ठीक है, उनकी बगल में या उनकी गोद में उनकी पत्नी पार्वती, ठीक है, इस तरफ गणपति, इस तरफ षणमुख, दो बेटे हैं उनके, और जटा में से गंगा, एक और पत्नी यहां चंद्र है, ठीक है, और वो गणपति का जो वाहन है वो क्या है, चूहा, वो षणमुख का वाहन मोर, इनके गले में सांप है, इनका खुद का वाहन नंदी है, बीवी का वाहन शेर, ये सारा परिवार बैठा हुआ, फोटो देखा आपने, अब देखिए, अब वो सांप की और मोर की दुश्मनी है, है क्या, सांप की और मोर की है इनकी दुश्मनी, अच्छा सांप की चूहे की दुश्मनी है, सांप ऐसे निकला हुआ है यहां गणपति, उसके नीचे चूहा, वो देख रहा उसको, उनकी दुश्मनी, ठीक, सांप की चूहे की दुश्मनी, सांप की मोर की दुश्मनी, ठीक, पार्वती की गंगा की दुश्मनी, कौन सौत को सहन करेगा बताइए, ये समझाने में इनका टाइम जा रहा है, क्या तू मेरी प्रिय है इसलिए मैंने तुझको गोद में बिठाया है, वो कहती गोद में बैठ के बोलती, गोद में बैठी तो क्या हुआ, वो सिर पे बैठी है,
वो सिर पे बैठी है, समस्या है। तो ये फैमिली इंटरनल डिस्प्यूट यहां शुरू हो गए। हाँ अच्छा, वो बैल की सिंह की झड़प है दोनों की। वो सिंह हमेशा जो है वो बैल को कब खाऊं ये देखते रहता हूं, प्रॉब्लम है। तो इतनी समस्याओं से घिरे हैं और दिगंबर अवस्था में बैठे हैं ठंडी में, कहा कैलाश पर्वत -23 -40 डिग्री सेंटीग्रेड वहां बैठे हैं और सतत पानी गिर रहा है शरीर के ऊपर, सतत पानी गिर रहा। अच्छा गले में भी शटका हुआ, वो थूकते नहीं बन रहा, निगलते नहीं बन रहा, उसको थूक भी नहीं सकते। थूकेंगे तो क्या हो जाएगा, थूकेंगे तो क्या हो, सारा विश्व जो है उस हलाहल से जल जाएगा, सारा विश्व उस हलाहल से जल जाएगा। अच्छा निगल लेंगे तो क्या होगा, हाँ स्वयं को तकलीफ होगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, नीलकंठ बाघ अंबरधारी विश्वनाथ दीनन सहकार। अब गले में अटका हुआ विश्व, यहां अटका के बैठे हुए। अरे आपकी समस्या इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, आपकी क्या समस्या है, हाँ बेटे का झगड़ा हो गया, बहू का झगड़ा हो गया, बीवी का झगड़ा हो गया, पैसे नहीं आए, चेक पास नहीं हुआ, बैंक में काम नहीं हुआ, कर्जा नहीं हुआ, ये छोटी छोटी समस्या है। कल्पना करो गले में सांप, इधर मोर, इधर क्या है चूहा, इधर बैल, इधर शेर, इधर पार्वती, इधर गंगा, कल्पना करो क्या प्रॉब्लम है बड़ी। तो एक बार अपनी प्रॉब्लम लेके भगवान शंकर विष्णु के पास गए, अपनी प्रॉब्लम लेके भगवान शंकर अब किसके पास जाएंगे, दोस्त कौन, विष्णु के पास गए। अब विष्णु से जाके बोला कि मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। विष्णु बोले तेरी प्रॉब्लम कम है, मेरी उससे ज्यादा है, मेरी उससे ज्यादा। बोले एक बेटा है मेरा कामदेव, उसने सारी दुनिया को परेशान कर रखा, दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उसके कारण, ठीक है। एक बीवी है, उसको सब लोग बुलाते, महालक्ष्मी मां बा हयामी, सब लोग उसको बुलाते। अच्छा बुलाते हैं, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। एक बीवी बेचारी, उसको बुलाते तो सब लोग हैं, ये जाती बेचारी सबके सबके घर, जैसे ही ये उनके घर जाती बंद कर लेते, छोड़ते नहीं, उसको जाने नहीं देते। अच्छा तू तो कम से कम पर्वत पे लेटा हुआ है, मैं समुद्र में लेटा हूं। अच्छा समुद्र में लेटा हूं, कॉन्स्टेंट डेंजर है ऊपर, क्या सांप है, सांप है ऊपर से, तो मेरी प्रॉब्लम मैं किसको बोलूं, मैं किसको बोलूं। शंकर कहते हैं मेरी प्रॉब्लम मैं किसको बोलूं, हरि हरांचे ही हित गुजहे, हरि हरांचे ही हित गुजहे। मगर उतने प्रॉब्लम्स में भी वो आनंद स्वरूप होने के कारण क्या कहते हैं, किति सुख है, आहा किति सुख है, इन प्रॉब्लम्स के अंदर भी सुख है, सुख है उसमें, प्रॉब्लम्स के अंदर भी सुख है। कब है वो सुख, जब वो धर्म का तानपुरा बजता रहे, धर्म का तानपुरा बजता रहना चाहिए। तो हमारी समस्याएं, अब हमारी समस्याएं क्यों हैं, है क्या नहीं आपको समस्याएं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को क्या नी जॉइंट का प्रॉब्लम है, किसी को बेटे से प्रॉब्लम है, किसी को बहू से प्रॉब्लम है, है ना, किसी को गुरु से प्रॉब्लम है, किसी को शिष्य से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है सबको। तो ये प्रॉब्लम क्यों है, तो धर्म का जो तानपुरा बज रहा है उसने बताया कि ये प्रॉब्लम इसलिए है, ये समस्या इसलिए है क्योंकि जीवन में जितने दुख प्राप्त हो रहे हैं वो पाप के फल हैं, और जीवन में जितने सुख प्राप्त हो रहे हैं वो किसके फल हैं, पुण्य के फल हैं। ये पाप पुण्य किसने किए, मैंने किए। ये पाप पुण्य किसने किए, मैंने किए। इसका जिम्मेदार कौन, तो मेरा प्रारब्ध, प्रारब्ध, प्रारब्ध यानी क्या, प्रारब्ध यानी क्या, ये प्रारब्ध शब्द बड़ा
हमारे वेदांत शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध है, प्रारब्ध है ना। क्या ऐसा समझिए कि प्रकर्षेण आरब्धा प्रारब्धः, जिसने फल देना शुरू कर दिया है ऐसे कर्म, हमारे ऐसे कर्म जो फल देने के लिए तैयार है, क्योंकि सभी कर्मों के फल तत्काल प्राप्त नहीं होते। होते हैं क्या? नहीं। आपने परीक्षा लिखी, कितना समय लगेगा? 3 महीने। आपने आम का वृक्ष बोया, 5 साल वगैरह लगते हैं, हाँ? आपने शादी की, बच्चा होने में कितना, कल हो जाएगा क्या बच्चा? समय लगता है। तो प्रत्येक कर्म में कुछ काल लगता है फल आने में। तो एक निश्चित काल में जो कर्म, जितने कर्म फल देने के लिए उद्युक्त हो गए हैं उनको प्रारब्ध कहते हैं, और ऐसे कर्मों के समूहों का नाम एक जीवन है। हमारा ये जो जीवन है, एक जीवन यानी का कम से कम मान लीजिए 100 साल का, प्रभु की कृपा हुई तो 100 साल, वरना 60 के बाद कभी भी, 60, 70, 80 कभी भी। तो 60, 70, 80 साल, 90 साल का जो जीवन है, इस जीवन में एक बंच हमारा कर्मों का, कुछ कर्मों का एक क्या कहेंगे उसको, ग्रुप, ये फल देने के लिए उद्युक्त हो गए। अब उसको भोगने के लिए एक शरीर चाहिए। प्राणी ने जो कर्म किए उन कर्मों को भोगने के लिए एक शरीर चाहिए। तो वो जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से उसके अनुरूप जो है एक शरीर बन गया, उसके अनुरूप। मान लीजिए वो कर्म ऐसे हैं जिनके अंदर दौड़ने का फल ज्यादा है, भागम भाग है, तो कौन सा शरीर मिलेगा? घोड़े, है ना। तो इस तरह से उन कर्मों के अनुरूप एक देह है, उसको कहते हैं भोगायतन। भोगायतन यानी क्या? भोगने के लिए एक घर, भोगने के लिए एक अधिष्ठान, भोगने के लिए एक जगह। उन कर्मों को भोगने के लिए एक शरीर मिल गया। अब शरीर के साथ जो है ये कर्म जुड़ गए, कौन से? प्रारब्ध, जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया। उस शरीर में ये कर्म फल देते चले जाएंगे, उसके अनुरूप सुख दुख की प्राप्ति इस शरीर को होगी। समझ में आएगा? उसके अनुरूप इस शरीर को सुखात्मक अनुभूतियां, दुखात्मक अनुभूतियां, इनकी प्राप्ति होती रहेगी। अब ऐसा है कि ये जो सुख दुखात्मक जो फल मिलता है वो एक परिस्थिति के रूप में प्राप्त होता है, एक सिचुएशन बन जाती है, उसको कहते हैं अनुकूल परिस्थिति अथवा प्रतिकूल परिस्थिति। एक उदाहरण लीजिए, आपने कभी किसी जन्म में कोई पाप किया, उस पाप के फलस्वरूप उस कर्म का फल यहां प्रारब्ध बन गया, और प्रारब्ध बन के यहां पर क्या कि उसके लिए एक दिन अन्न की प्राप्ति नहीं, उपवास, एक दिन भूखा रहना, दंड उसका। अब वो परिस्थिति सामने आ गई, कौन सी? एक दिन भूखा रहना है, ठीक है। अब धर्म का तानपुरा अगर बजता हो पीछे, उसके अनुरूप आचरण कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? उस एक दिन का जो उपवास है, एक दिन जो भूखा रहना है, उसको वो व्यक्ति क्या करेगा? एकादशी का व्रत करके उस प्रारब्ध को वो समाप्त कर देगा। उल्टे क्या हुआ? उस प्रारब्ध को समाप्त करने में फिर पुण्य का संचय हो गया। हुआ क्या नहीं? हाँ, प्रारब्ध में कर्म का फल भोग क्या है? भोग क्या है? उपवास। एक दिन भूखा रहेगा यार, इस पाप के लिए एक दिन ये आदमी भूखा रहेगा। ये इतना ही है। एकादशी करके भूखा रहेगा या बीवी से झगड़ा करके भूखा रहेगा ये नहीं बताया, डिटेल्स नहीं है उसके अंदर, भूखा रहेगा इतना है। तो अब इसने क्या किया, जिसके पीछे वो तानपुरा बज रहा है, कौन सा? धर्म का तानपुरा जो सुन रहा है, वो क्या करता है
कि अपने उस एक दिन के उपवास को एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी। उल्टे क्या हुआ, एक तो पाप कटा, प्रारब्ध का क्षय हुआ, भोग उसका हो गया, वहां फिर पुण्य जुड़ गया। कौन सा? एकादशी का। जिसके पास तानपुरा नहीं बज रहा है, धर्म का तानपुरा श्रुति जिसके पास नहीं है, वो अपने उस प्रारब्ध को कैसे भोगता है? घर में जाके बैठता है, घर में जाके बैठता है, पत्नी जो है भोजन लाके रखती सामने, बढ़िया, पत्नी जो अच्छा भोजन लाके रखती सामने, और वो पूछता है कशाची भाजी है, वो कहती वांग्याची है, तुला माहित नहीं क्या, वांगा खात नहीं, घर करके फेंक दे, फेंक के निकल जाता बाहर, भूखा हो गया। अब यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, एक दिन का भूखे रहने का जो दंड है वो तो मिला ही मिला, उसके अलावा फिर एक और पाप, क्या? झगड़ा किया, क्रोध किया, पत्नी से झगड़ा किया, हाँ, ये क्रोध एक और पाप हो गया। तो इस तरह से ये कर्म का चक्र जो है, ये प्रारब्ध जो है, ये पूरा जब तक वो जितने प्रारब्ध हैं वो सब समाप्त नहीं हो जाते, भोगादेव क्षयः, वो प्रारब्ध जो है वो भोग से ही समाप्त होते हैं, और जब तक वो सारे के सारे वो जो ग्रुप है, बंडल है प्रारब्ध का, वो जब तक समाप्त नहीं होता तब तक ये देह नहीं मरता। ये देह देखिए आप, डॉक्टर लोग हैं बहुत से यहां पर, मालूम है, है? डॉक्टर कहते झाला है तो संपला था, काय करू शक, घर ही होऊन जा, इसको घर लेके जाओ, घर लेके जाते फिर भी नहीं मरता, वो फिर भी नहीं मरता, क्यों नहीं मरता? उसका भोग अभी बाकी, दुख उठाना है उसको, उसको अभी कष्ट उठाना है, इसलिए वो नहीं मरता। जिस क्षण प्रारब्ध समाप्त हुए उस क्षण ये देह समाप्त, देह का प्रारब्ध का उसकी 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 जोड़ी है, उसकी जोड़ी है वो। अब ये जो प्रारब्ध है ये कितने प्रकार का होता है? अच्छा, प्रारब्ध जो है वो केवल भोग से ही समाप्त होता है, भोगादेव क्षय, उसके लिए कोई उपाय नहीं, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। मगर शास्त्र में कहा गया है कि प्रारब्ध जो है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक को कहते हैं निर्बल प्रारब्ध, निर्बल प्रारब्ध। दूसरे को कहते हैं मध्यम प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध। और तीसरे को क्या कहते हैं? प्रबल प्रारब्ध। तीसरे को कहते हैं प्रबल प्रारब्ध। अब ये जो मध्यम प्रारब्ध है, सॉरी, क्या निर्बल प्रारब्ध है, इसका उपाय क्या, ये प्रारब्ध को हम कैसे जीते हैं, इसके ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करें? तो शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उस निर्बल प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे उदाहरण क्या, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी पाप के फलस्वरूप एक रोग हो गया। रोग क्यों होता, रोग क्यों होता? पाप के फलस्वरूप रोग होता। या मान लीजिए कि किसी आदमी के घर में चोरी हो गई, उदाहरण कोई भी लीजिए, चोरी हो गई। चोरी क्यों हुई? ये धर्म का तानपुरा यहां बन रहा है, पाप के फलस्वरूप हुई, कभी ना कभी वो पाप किया उसके फलस्वरूप यहां चोरी हो गई, रोग हो गया। अब अगर वो प्रारब्ध निर्बल रहा तो मनुष्य अपने प्रयत्न से, रोग हो गया, मान लीजिए डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया किसी पाप के फलस्वरूप, अब मनुष्य अपने प्रयास से, प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से उस रोग पर विजय प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं। सुबह 4 बजे उठना, प्राणायाम करना, आसन करना, दौड़ लगाना, चावल बिल्कुल नहीं खाना, आलू बिल्कुल नहीं खाना, शक्कर बिल्कुल नहीं खाना, तेल बिल्कुल नहीं खाना, हाँ, इस तरह से अगर उसने पुरुषार्थ किया तो उसका शुगर रहेगा क्या? हाँ, उसका डायबिटीज जो है समाप्त हो जाएगा, वो उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर सकता है।
उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर मान लीजिए यही प्रारब्ध मध्यम रहा, यही प्रारब्ध अगर मध्यम रहा तो मनुष्य केवल अपने पुरुषार्थ के बल पर, केवल अपने कर्मों के बल पर उस पुरुषार्थ पर विजय, उस प्रारब्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर उसके लिए क्या चाहिए? फिर उसके लिए ईश्वर की अनुकंपा चाहिए, ईश्वर की अनुकंपा चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। तो अब क्या, अब फिर उदाहरण डायबिटीज, किसी पाप के फल स्वरूप इस व्यक्ति को रोग हुआ, इसने बहुत प्रयत्न करके देखा, इसने आलू बिल्कुल छोड़ दिए, इसने चावल छोड़ दिया, इसने शक्कर खाना छोड़ दिया, योगासन करता है, प्राणायाम करता है, दौड़ लगाता है, जिम में जाता है, सब कुछ करता है, मगर फिर भी इसका डायबिटीज कम नहीं हो रहा। तो फिर क्या, फिर डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना, इंसुलिन लेना, इंजेक्शन लेना, मंत्र तंत्र तीर्थ देव गुरु ज्योतिषी वास्तु, तुमच्या घरात दक्षिणेकडे खिडकी आहे ती बंद करा, तिकडून डायबिटीजचं वारं येते। ये सारी चीजें क्या है, ये सारे क्या है, मंगल खराब आहे म्हणून शुगर वाढून आली, ये सारी चीजें क्या है। फिर आदमी क्या करता है, फिर उस मध्यम प्रारब्ध को मिटाने के लिए फिर ऐसी चीजों का सहारा लेता है। कौन सा? सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर डॉक्टर से अगर हुआ ठीक है, फिर उसके बाद मांत्रिक। बंबई में लोकल ट्रेन में आपने देखा कि नहीं, लोकल ट्रेन है, बाबा लोगों के ये लगे होते हैं, है, प्रेम संबंधी समस्या, तलाक संबंधी समस्या, सास से झगड़ा, बॉस से झगड़ा, और क्या है, संतति है, इन सारी समस्याओं के लिए फौरन मिले बाबा, कौन से कोई बाबा, और उनका फोन नंबर वहां दिया होता है, वो बाबा फौरन जो है समस्या मिटा देते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मंत्र, फिर दोरा, फिर नाग बलि, नारायण बलि, अमुक बलि, तमुक बलि, बकरे की बलि, मुर्गी की बलि, ये सब अनेक उपाय, ये सब क्या है, ये मध्यम प्रारब्ध को मिटाने के उपाय, प्रदक्षिणा, यात्रा, तीर्थ यात्रा, दान है ना, दान करते बहुत से, अमुक अमुक एक समस्या है तो आप स्वर्ण दान कीजिए, आप जो है गो दान कीजिए, आप धान्य का दान कीजिए, नीले क्या क्या काले रंग के उड़द का दान कीजिए, तेल का दान कीजिए, ये सब मध्यम प्रारब्ध को मिटाने के तथाकथित उपाय, मध्यम प्रारब्ध को मिटाने के तथाकथित उपाय। अब इनसे कभी कभी अगर वो प्रारब्ध वास्तव में मध्यम रहा तो मिट जाता, डॉक्टर की दवा से मिट जाता, ज्योतिषी के किसी मंत्र तंत्र से मिट जाता है, वास्तु से भी कभी कभी मिटता हो ना मिटता हो नहीं मालूम, मिट जाता है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना, वास्तु ज्योतिषी वो सारी चीज, मध्यम प्रारब्ध उसको मिटाने के ये उपाय। अच्छा, वो भी अगर नहीं मिटा तो सारे उपाय करके देख ले, महाराज सगळे झालं, तीर्थयात्रा झाले, दान झालं, धर्म झालं, ज्योतिषी झाले, मांत्रिक झाले, तांत्रिक झाले, सगळं झालं, लिंबू बिबा मिर्ची सब उपाय हो गए, फिर भी समस्या नहीं मिट रही। तो फिर क्या, फिर ये जो तानपुरा यहां बज रहा है, कौन सा, धर्म का, शास्त्र का, श्रुति का, उसके आधार पर हमको ये अनुमान लगाना चाहिए कि वो प्रारब्ध जो है प्रबल प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध जो है प्रबल है। अब प्रबल प्रारब्ध मिटता है क्या, तो शास्त्र कहता है प्रबल प्रारब्ध नहीं मिटता, प्रबल प्रारब्ध किसी भी उपाय से नहीं मिटता।
तो अब क्या करें, अब क्या करें, प्रबल प्रारब्ध है, नहीं मिटता। तो यहां जो तानपुरा बन रहा है किसका, धर्म का, श्रुति का, वेद का, गुरु का, वहां ये बोध होता है कि ये तो मिटने वाला नहीं है, ये तो मिटने वाला नहीं है। तो भगवान ने भी कहा गीता में, तस्मात अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि। अपरिहार्य, अपरिहार्य यानी क्या, जिसका परिहार नहीं है, जिसका कोई उपाय नहीं है। तो भगवान ने कहा गीता में दूसरे अध्याय में, भगवान कहते हैं तस्मात अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि। जो अपरिहार्य है, जो होने ही वाला है, हाँ, जिसको रोका नहीं जा सकता, उसको तुम क्या कर सकते हो। नत्वम शोची तुम्हारा से, उसका दुख करके भी उपयोग नहीं है। मान लीजिए कि हम यहां सब बैठे, बड़े सुख से बैठे, इस भवन के अंदर सुख से बैठे। मान लीजिए सूचना आ गई, कहीं से सूचना आ गई कि यहां एक बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है, आप क्या कर सकते बताइए। समझा, तुम्हारा पोलिस वाले हैं, सांगून गए 15 मिनटांनी भूकंप येणार आहे, काय करता, मोकळ्या जागेचा कुठे जा, पण तिथं हे होणारच, ती होते हादरा तर बसणारच, क्या करेंगे। या बाढ़ आने वाली है, प्रभु की कृपा है, यहां बाढ़ फिर नहीं आती। तो बाढ़ आ गई तो क्या करेंगे, लैंडस्लाइड होने वाला, जैसे वहां हुआ पिछले 2 साल पहले बद्री केदार में, क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति। तस्माद अपरिहार्य अर्थे, अपरिहार्य है, उसको कुछ नहीं कर सकते। नत्वम शोची तुम्हारा से, फिर उसका दुख क्या करना, दुख किसका करते हैं बताइए, दुख किसका करते हैं। जिसका हम दुख करके कुछ सुधार सकते हैं, कुछ उसमें बना सकते हैं, वहां दुख करने का मतलब है। अब इसको क्या दुख करेंगे। तस्माद अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि। वहां भगवान कहते हैं कि उसका दुख नहीं करना चाहिए। ठीक है, दुख नहीं करना चाहिए, क्या ताली बजा के आनंद मनाए, आता येणार है, आता येणार है, 15 मिनटात येणार है, काय भूकंप। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ऐसे समय में केवल परमात्मा का स्मरण, केवल परमात्मा का स्मरण, दूसरा क्या कर सकते हैं आप बताइए। अगर देखिए कितना कितना बड़ा भाग्य हो जाएगा कि यह पता लग जाएगा कि 15 मिनट में भूकंप आने वाला है। सोचिए आप, मान लीजिए 15 मिनट में यहां भूकंप आने वाला है, सारी पृथ्वी जो है डावाडोल होने वाले, ये सारे लोग मरने वाले हैं, ऐसी सूचना मिली, तो कितनी बड़ी अनुकंपा प्रभु की, कितनी बड़ी कृपा। अंत काल में प्रभु का स्मरण करने का अवकाश जो नहीं मिलता वो प्राप्त हो गया। अंत काल में परमात्मा को स्मरण करो, डायरेक्ट मोक्ष, और क्या, फिर आगे जन्म ही नहीं है, नको जन्म दूसरा, खत्म हो गई बात। समझ रहे हैं आप बात को, गहराई को समझ रहे हैं क्या, अंत काल का। देखिए प्रॉब्लम हमारी क्या, अंत काल कब आने वाला नहीं मालूम। अगर मालूम होता, आपल्याला कळालं असतं बाबा 9:42 प्राण जाणार, 9:41 माणिक माणिक जगुर माणिक सुरू करतो मी, कारण 9:30 करता 15 मिनिट जास्त होते। 9:42 पे अगर प्राण जाने वाले हैं तो 9:41 से मैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शुरू कर दूंगा। क्यों, 9:30 से अगर शुरू करूंगा 15 मिनट बेकार वेस्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर मालूम पड़ गया कि मैं 15 मिनट के अंदर सृष्टि समाप्त होने वाली है, कोई आपदा आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, भूकंप आने, लैंडस्लाइड होने वाला है, हम सब मरने वाले हैं, ये अगर मालूम पड़ गया तो कितना बड़ा अवसर होगा, क्या क्या करने का। नत्वम शोची तुम्हारे, कुछ नहीं कर सकते, वहां केवल परमात्मा का स्मरण। परमात्मा का स्मरण करने से क्या हो जाएगा, अंत काल में ऑटोमेटिक परमात्मा का स्मरण हो जाएगा, ये एक चीज। और दूसरा क्या, दूसरा ऐसा है कि अपरिहार्य ऐसा जो प्रारब्ध, प्रबल प्रारब्ध है,
उस पर विजय पाने के लिए ज्ञान ही एक मार्ग है, दूसरा नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं, ज्ञान। देखिए, निर्बल प्रारब्ध कर्म से जीता जा सकता है, निर्बल प्रारब्ध किससे? कर्म से जीता जा सकता है। प्रबल प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध भक्ति से जीता जा सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? तीर्थ, देवता, गुरु है, ये सारी चीजें भक्ति से, विश्वास से, श्रद्धा से, वैद्यो नारायणो हरि, वहां श्रद्धा भक्ति, उससे जो है मध्यम प्रारब्ध जो है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो तीसरा है कौन सा? प्रबल प्रारब्ध। वो प्रबल प्रारब्ध केवल ज्ञान से, दूसरा कोई उपाय नहीं उसके लिए, केवल ज्ञान। ज्ञान से क्या? एक तो परमात्मा का स्मरण पहली बात हुई, दूसरी बात क्या? ज्ञान से यानी मैं जिसको समस्या समझ रहा हूं, मैं जिसको अपनी बहुत बड़ी समस्या समझ रहा हूं, वास्तव में वो समस्या है ही नहीं, वास्तव में वो समस्या है ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, वो चॉकलेट के लिए रो रहा है, वो गुब्बारे के लिए रो रहा है, छोटा बच्चा छोटी छोटी चीज के लिए रोता है, बड़े लोग क्या बोलते हैं? रोते हैं क्या बड़े लोग? क्या बोलते हैं बड़े लोग? क्या बोलते हैं? है पागल है, छोटा है बच्चा, गुब्बारे के लिए रो रहा है ना। उसी तरह से अध्यात्म में भी ये जो पैसे के लिए, धन के लिए, शरीर के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए रो रहे हैं, उनको देख के ज्ञानी कहते हैं ये गुब्बारे के लिए रो रहा है। ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी कहता है ये गुब्बारे के लिए रो रहा। कौन? ये जो संपत्ति के लिए, धन के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, अपने देह के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए ये जो हल्ला मचा रहा है, इसको जो समस्या समझ रहा है, ये समस्या है ही नहीं इसकी, इसकी समस्या ये ही नहीं। ये जो है उसको ज्ञानी कहता है कि ये गुब्बारे के लिए, चॉकलेट के लिए रो रहा है। देखिए हमारी जीवन की समस्या बड़ी विचित्र, ये समस्या ऐसी है कि हम सतत परिवर्तनशील ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जुटे हुए, उन वस्तुओं की हमको आवश्यकता है, और हमको ऐसा लगता है कि उन वस्तुओं के बिना मैं सुख से जीवन यापन नहीं कर सकता। अब जितनी आपकी आवश्यकताएं, जितनी वस्तुओं की चाह आपको है, धन हो, पुत्र हो, स्त्री हो, स्त्री के लिए पति हो, हाँ, घर है, मकान है, बिल्डिंग है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें सतत प्रवाहमान है, सतत प्रवाहमान है। पहले नहीं थी, पहले थी क्या? बाद में रहेगी क्या? जो वस्तु पहले नहीं होती, बाद में नहीं होती, वो वर्तमान काल में नहीं होती, ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। जो पहले नहीं थी और जो बाद में नहीं रहेगी, वो बीच में रह सकती क्या? जैसे मिट्टी का घड़ा है, हमारे वेदांत शास्त्र में उदाहरण दिया है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा पहले था क्या? पहले क्या था? मिट्टी का घड़ा पहले नहीं था, पहले मिट्टी थी। बाद में घड़ा रहेगा क्या? टूटने के बाद बाद में क्या रहेगी? तस्मात मृत्यु के इत्येव सत्यम, मृत्यु का ही सत्य है। कुछ काल के लिए जो घड़ा दिखा वो क्या है? वो वेदांत शास्त्र की दृष्टि से भ्रम है। समझ में आई बात? उसी तरह से ये जो संसार में जितनी वस्तुओं के पीछे हम लगे हुए हैं, वो सारी वस्तुएं पहले थी क्या? पत्नी पहले थी क्या? पुत्र पहले था क्या? हाँ, बाद में रहेगी क्या? नहीं, बाद में रहेंगे क्या? धन, संपत्ति, लारी, मोटर गाड़ी, दाढ़ी, साड़ी, पाड़ी, ये सारी चीज रहेंगे क्या? नहीं रहने वाली है, पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहने वाली। तो वर्तमान काल में है क्या? वस्त्र वर्तमान काल में भी नहीं है, किंतु है, ऐसा भ्रम हो रहा है। आप लोगों में से हरिद्वार कितने लोग गए? हरिद्वार गए? हरिद्वार में वहां गंगा के घाट के ऊपर आपने स्नान किया? वहां गंगा का प्रवाह बहुत तेज है, हरिद्वार में गंगा का प्रवाह बहुत तेज है। और वहां जब स्नान के लिए नदी में हम उतरते हैं तो पाते क्या हैं? पैर के नीचे की मिट्टी वो भी
वो भी फिसल रही है, वो भी गंगा के प्रवाह के साथ जा रही है। नीचे जो कंकड़ पत्थर है जिनके ऊपर हम खड़े हैं, वो पत्थर भी आगे सरकते जा रहे हैं, पानी भी आगे बहता जा रहा है, उसमें हम स्थिर रह सकते हैं क्या? तो हम भी प्रवाह के अंदर चले जाते हैं। तो वहां शासन ने एक व्यवस्था कर रखी, क्या? घाट में जंजीरें लगाई है, जंजीरें है ना, जंजीरें हैं। अब उन जंजीरों को पकड़ के अगर हम स्नान करेंगे तो स्नान का आनंद आएगा क्या नहीं? घाट में जो जंजीर है उस जंजीर को पकड़ लिया हमने और उसके बाद हम स्नान कर रहे, आनंद आएगा क्या नहीं? अच्छा जंजीर छूट गई मान लीजिए, आनंद आएगा क्या? भय, भय, आनंद कहां से आएगा? भय। तो ये जो प्रबल प्रारब्ध है उसको ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति जब हम कहते हैं, तो ज्ञान किस बात का? ज्ञान इस बात का कि एक ऐसी चीज है जो इन सबसे प्रभावित नहीं होती, एक ऐसी चीज है जो इन सबसे प्रभावित नहीं होती। कौन सी? जीवन की जितनी समस्याएं हैं इनसे एक ऐसी चीज है जो प्रभावित नहीं होती, उसको अगर मैंने पकड़ लिया, उसको अगर मैंने पकड़ लिया तो फिर ये समस्याएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये समस्याएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझ रहे ना? उसको अगर मैंने पकड़ लिया तो, छोड़ दिया तो पानी भी बह रहा, कंकर भी बह रहा, रेती भी बह रही, सब कुछ बह रहा है, उसके साथ मैं भी बह जाऊंगा। तो ऐसी वो कौन सी चीज है, वो जंजीर कौन सी है जो इस रेत से, इस पानी से, इस प्रवाह से प्रभावित नहीं होती, जो उसके साथ नहीं बहती, ऐसी कौन सी चीज है? उसका नाम है प्रभु, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है ईश्वर, उसका नाम प्रभु है। उसको अगर हमने पकड़ लिया, उसको अगर हमने पकड़ लिया तो ये चीजें प्रभावित कर सकती है क्या? वो मैंने अभी अखबार में पढ़ा, बंबई में, मतलब अभी नहीं काफी साल पुरानी बात, बंबई में एक स्मगलर, अब उसको पुलिस ढूंढ रही, उसको जो है पुलिस ढूंढ रही, सब तरफ की पुलिस, 56 देशों की पुलिस ढूंढ रही उसको, वो मिल नहीं रहा स्मगलर। आपको मालूम है कहां छुप के बैठा था? मालूम है? महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के घर में। बंबई वालों को मालूम है, होम मिनिस्टर के घर में छुपा है, अब उसको ढूंढ रहे पुलिस वाले, मिलेगा क्या वो? पुलिस वाले जिसके अनुचर हैं, उनके बॉस के घर में वो छुपा बैठा है, उसको कैसे पुलिस पकड़ सकती? बताइए, पकड़ सकती क्या? नहीं पकड़ सकती। तो ये समस्याएं जिसकी दासी हैं, है ना, ये जीवन की समस्याएं जिसकी दासी हैं, उस प्रभु को अगर पकड़ लिया तो समस्याएं हमारा क्या बिगाड़ सकती? कुछ बिगाड़ सकती क्या? प्रॉब्लम क्या आ जाती है? वो जंजीर छूट जाती है। प्रॉब्लम कब आती? प्रॉब्लम तब आती है जब वो जंजीर छूट जाती है, वो तानपुरा बजना बंद हो जाता है श्रुति का, तब जीवन जो है वो बेसुरा हो जाता है। तब जीवन क्या होता है? बेसुरा होता है। और मेरा जीवन बेसुरा होने के बाद, मेरा गायन बेसुरा हो जाने के बाद, मेरे आज आजू बाजू के, मेरे परिवार के, मेरे समाज के, मेरे जो अपने लोग हैं, वो सब लोग भी क्या होते हैं? बेसुरे गाने से क्या होते हैं? परेशान होते हैं। मैं अगर गाना शुरू कर दूं बेसुरा, तानपुरा एक तरफ, मैं एक तरफ गाना शुरू कर दूं, आपको आनंद आएगा क्या? धीरे धीरे करके सारा हॉल खाली हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे करके लोग उठ जाएंगे बेसुरे गाने पे। अच्छा गाने लोग तो जो सुर में जाता है, कहते हैं कि पशु पक्षी प्राणी भी आके बैठ जाते हैं। कहते तानसेन के जीवन में, तानसेन जब गाता था तो हिरन वगैरह आके अगल बगल में बैठ जाते थे, इतना सुरीला वो गाता था। तो जितना सुर में आप गाएंगे उतना आपको आनंद आएगा, आपके बाकी लोगों को, आपके परिवार के लोगों को, आपके समाज के लोगों को, आपके गांव के लोगों को, प्रांत को, राष्ट्र को, सबको आनंद होगा। जितना बेसुरा गाएंगे उतना तकलीफ होगी आपको, बाकी लोगों को। सुर कौन सा है? सुर धर्म का है, सुर श्रुति का है। तो श्रुति का जो सुर है, वेद का जो सुर है, धर्म का जो सुर है, वो क्या कहता है?
वो कहता है कि हमेशा उस जंजीर को पकड़े रहो। कौन सी जंजीर? परमात्मा, प्रभु, उसको पकड़े रहो। और उसको अगर पकड़ के रखोगे तो प्रवाह कितना भी हो, गंगा के प्रवाह में कितनी भी तेजी हो, कुछ भी हो, तो भी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रारब्ध जैसा भी हो, प्रारब्ध निर्बल हो, प्रारब्ध मध्यम हो, बलवत्तर हो, प्रबल हो, कुछ भी हो, उस जंजीर को अगर पकड़ के रखा तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। समझ में आई बात? तो इसलिए वो जंजीर को पकड़े रखने का अभ्यास करने के लिए ये पूर्णिमा पर्व है। लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज आता शताब्दी उत्सव संपल, आता पूर्णिमा बंद करू या का? आता बंद करायचं नाही, आता जास्त जोरात करायचं आहे आपल्याला, आता जास्त जोरात करायचं। तो उस जंजीर को पकड़ने का अभ्यास, उसके लिए ये पूर्णिमा है। और प्रभु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं मजबूती से उस जंजीर को पकड़े रहें, और संसार रूपी जो प्रवाह है, ये दुख प्रवाह हम संग नाही। कैसे? पकड़ लिया, अब वो प्रवाह बहता रहेगा, वो आगे जाएगा, हमको क्या करेगा? ये दुख प्रवाह हम संग नाही, वो प्रवाह जो है वो बहता रहेगा, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो जंजीर जो आपने पकड़ी है, मैं समझता हूँ कि आपने पकड़ी है, वो पकड़े रखिए। दृढ़ता से पकड़ने का बल, दृढ़ता से पकड़ने की सद्बुद्धि प्रभु महाराज आपको दें, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।